अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम रमज़ान की प्रिपरेशन में बना रहे हैं स्प्रिंग रोल्स। तो स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए हमें चाहिए कैप्सिकम थोड़ी सी, और कैरेट, कैबेज, हरी प्याज, श्रेडेड चिकन, और इसमें मैं डालूँगी स्पेगेटीज। मसालों में हमें चाहिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, पेपरिका। सॉसेस में हमें चाहिए विनेगर, सोया सॉस, हॉट सॉस, और हम ऑयल में इसको सौते करेंगे सारी चीज़ों को। अच्छा, इसमें आप क्या चीज़ें ओमिट कर सकते हैं? आप स्पेगेटीज अगर चाहें तो ना डालें। अगर आपको सिर्फ वेजिटेबल रोल बनाने हैं तो आप इसमें चिकन ओमिट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो चले आएँ, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम करने के बाद हम डालेंगे कैप्सिकम, उसके साथ कैबेज, याद रहे हमें वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है, वरना वो बिल्कुल ही टेस्ट ख़राब सा हो जाता है अगर ओवर कुक हो जाती हैं। ज़रा क्रंची क्रंची रहती हैं तो उनका फ्लेवर अच्छा आता है। अब हम डालते हैं इसमें चिकन, और साथ ही इसके साथ हम मसाले डाल देंगे, पेपरिका, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि हम सॉसेस डाल रहे हैं, उसमें भी सॉल्ट कंटेंट होता है। अच्छा सा स्टेयर करके अब हम इसमें डालते हैं सॉसेस। मैं यहाँ रेड विनेगर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास वाइट विनेगर होता हो वाइट यूज़ करें, राइस विनेगर हो राइस यूज़ करें, आप पे डिपेंड करता है। सोया सॉस, हम अपने नूडल्स शामिल कर देंगे। स्पेगेटीज को बॉईल करते हुए उसको आप 2 या 3 हिस्सों में तोड़ लें ताकि जब आप फिलिंग करें तो वो बहुत लंबे लंबे नूडल्स ना आ रहे हों, वो फिर अच्छे नहीं लगते। इस स्टेज पे हम नमक और बाकी चीज़ें चख लेंगे कि सब कुछ ठीक है, अगर नहीं तो फिर और हम
इस तरह आप सारे रोल्स को फिलिंग करते जाएं और रोल बनाते जाएं। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं कीजिएगा वरना शीप फट जाएगी और आपका रोल फ्राई होते हुए सारी फिलिंग बाहर निकाल देगा। एंड में आटे की बनी हुई लई लगाएं और ये आपका रोल तैयार है। अच्छा, तो हमारे ये रोल्स तैयार हैं। मैंने जितना मिक्सचर बनाया था उसमें 20 रोल्स बन गए हैं और ये थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था। तो अगर आपके पास और शीट्स हैं तो और आप बना लें, मेरे पास सिर्फ 20 शीट्स थी। अब हम इसको फ्रीज़र में जो भी इस कंटेनर में डालना है उसमें डाल के डाल दें और बीच में बटर पेपर ज़रूर लगाएं वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। तो ये हमारे स्प्रिंग रोल्स तैयार हैं। मैंने इसको डिस्पोजेबल कंटेनर में रख दिया है और मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी।